अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक कैरियर सिलेक्शन है। ये टॉपिक मेरे दिमाग में इस वजह से आया क्योंकि हमारे बहुत सारी भाई बहन मैट्रिक के बाद ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग आगे क्या रखें, तो ये वीडियो उन लोगों के नाम। चलो यार, मैट्रिक तो हो गई, अब देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ बेटा गुफरान, कैसे हो? सुना है बेटा आपने मैट्रिक पास कर लिया? इनसे मिलिए, ये वो अंकल हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मौकों पर नजर आए। जी अंकल जी, अभी अभी मैट्रिक के पेपर दिए, अब सोच रहा हूँ आगे क्या करूँ। चल बेटा फुरकान भाई, देखो एक बात है, एफएससी में तुम रखो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री वो रखो, बेहतरीन जाओगे, मैं कह रहा हूँ। मेरे बच्चे ने भी रखी है, फुल बेहतरीन, ठीक है, शाबाश। केमिस्ट्री यार कुछ याद ही नहीं है, केमिस्ट्री आगे नहीं रखूंगा कभी। नहीं, केमिस्ट्री तो नहीं रख सकते। मैट्रिक के एग्जाम ख़त्म होने की खबर हर किसी के पास होगी और हर किसी का आपसे यही सवाल होगा कि भाई मैट्रिक के पास क्या रखोगे, चाहे वो गली का दुकानदार हो या गली के वो अंकल जब खुद मैट्रिक फेल हो। सलाम वालेकुम वखार भाई, क्या हाल है आपके? यार एक कुकिंग ऑयल देना यार। वालेकुम सलाम बेटा, मैं कुकिंग ऑयल देता हूँ। बेटा सुनाओ, सुना है आपके मैट्रिक के पेपर हो गए हैं, देखो आगे क्या रखना है बेटा आपने। हाँ जी गफार भाई, बस आजकल सोच रहा हूँ क्या करना है, बाकी अभी मैट्रिक ख़त्म हुई है तो देखें क्या करता हूँ मैं। बाकी वो साथ वाले अंकल भी मशवरा दिया है उन्होंने मुझे केमिस्ट्री रखो। हाँ भाई वो साथ वाले अंकल, अब है भाई वो तो मुफ्त में लेके जाते हैं हर चीज़ मुझसे। वो बंदा ऐसा है भाई, वो मैट्रिक पास है तो उससे भाई अपनी तजावीज़ ले रहा है, भाई मुझसे ले भाई, मैं भी एफएससी पास हूँ, वो तो मैट्रिक फेल है भाई। तू मुझे मेरी मान बायो रख, ठीक है, कामयाब होगा। हैं क्या, आखिर में वो कोई ऐसा मशवरा ले लेता है जो कि उसको खुद पसंद नहीं होता और इस वजह से वो आगे अपने कैरियर को डुबा देता है। आप लोग ऐसा मत करिएगा, अपनी पसंद का कैरियर रखिएगा और अपने माँ बाप की चॉइस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।